एचआरटीसी के प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन पर बने अवैध झुग्गियों को एचआरटीसी प्रबंधन ने हटा दिया है। इस कार्यवाही से दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। यहां रह रहे सारे लोग ऐसे हैं जो नगर परिषद के ठेकेदार के पास साफ सफाई का काम करते हैं। अचानक बेघर हो जाने से इन गरीब लोगों के लिए बच्चों सहित सर्दी के मौसम में रहने की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद में सफाई का काम करते हैं और काफी दिनों से यहां पर रह रहे थे, लेकिन आज अचानक एचआरटीसी के लोगों ने जगह खाली करने को कहा और झुग्गियों को हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब इस मौसम में कहां जाए यह मुश्किल हो गई है। इस बारे में एचआरटीसी के आरएम विवेक लखनपाल का कहना है कि विभागीय की जमीन पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून के मुताबिक इन झुग्गियों को वहां से हटाया गया है। झोंपड़ी गिराए जाने का सवाल है, तो इसके बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाले जो है बिना किसी की परमिशन के एचआरटीसी का जहाँ मुख्य बस अड्डा बनना है, प्रपोज बस स्टैंड है, वहाँ पर ये बस गए हुए थे आके। बार बार इनको कहा जाता था कि आप अपनी झुग्गी झोंपड़ी यहाँ से उठाएं, पर ये नहीं मान रहे थे। इस कल की कार्रवाई करने से पहले भी लगातार एक हफ्ता तक उनको वहाँ पर जाकर बताते रहे कि अपनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हटा लो और आप अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ी और कल हमने उनकी झुग्गी झोंपड़ियों को वहाँ से हटा दिया। कचरा उठाते हैं हम, शहर में सफाई करते हैं, फिर भी हमारे को रहने के लिए जगह नहीं देती सरकार। कब से रह रहे थे यहाँ? 2-3 महीने हो गए हमारे को यहाँ रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। पानी भी दूर दूर से लेके आते थे, चलो बेटे पास हो रहा था। लोगों काम कर रहे थे, सरकारी काम कर रहे थे। पुलिस वालों ने क्या बोला? क्यों उठाया? पुलिस वालों ने बोला यहाँ बस स्टैंड बनेगा, वर्कशॉप बनेगा, खाली करो उसको। हमारे पास सारा कुछ हमने कमेटी में बना के दिया हुआ, दफ्तर में सारा कुछ बना हुआ। नगर परिषद का जो ठेकेदार, कौन ठेकेदार है जो आपका ठेकेदार है? हम कल बन गए, कल हम काम पे गए हुए थे, पीछे से बंदे आए, बोलते यहाँ से सामान खाली कर दिया। अच्छा, कल बोल गए थे? हाँ, कल बोल। कौन थे वो बंदे? पुलिस के थे कि कुछ के थे? और ड्राइवर था, बस वाले। बस वाले थे? अच्छा। हम बोले भाई हमारे बंदे गए हुए काम पे, शाम को आ जाएंगे, हम बता देंगे। ओके, ठीक है। ओ, फिर सुबह आए बंदे, हम तो सुबह कहाँ पे चले गए? कूड़ा उठाने के लिए। आप कूड़ा उठाते हैं सारे? हम कूड़ा उठाते। ये जो नगर परिषद का कूड़ा है, ये 3 घर है हमारे, हम कूड़ा उठाने वाले। आपको यहाँ रहने के लिए किसने बोला था पहले? हम किसी को नहीं बोला, हम सोचा भाई खाली है, खाली पड़े, झुग्गी वाले से पड़े हो, आप तो काम करें। वो और है और आप और है, वो कौन है वो पता। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से इस सिंह की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।